हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो स्पार्क 20 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इनकमिंग कॉल शो नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इनकमिंग कॉल अगर शो नहीं हो रहा है तो सबसे पहले फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में ना ये फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के समान डेटा ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो कॉलिंग का ऐप है, इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से दबा के रखना है। तो आपका ये छोटा सा पेज आता है, इसमें आपको ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के समान डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है, तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। यहाँ पर आपको ये ना रीसेट ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।